नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ न्यूज और पटना सिटी से है। लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई को लेकर पटना सिटी के अनुमंडल कार्यालय के समीप राजद पार्टी के द्वारा कैंप लगाकर पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखकर राष्ट्रपति से गुहार लगाया गया, जहां राजद नेता बलराम चौधरी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जेल के सलाखों में है। वही उनका स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है, जिसको लेकर राजद पार्टी द्वारा पटना सिटी में कैंप लगाकर पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखकर माननीय राष्ट्रपति से गुहार लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य को देखते हुए उनको जेल से रिहा किया जाए। लगभग 4 सालों से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जेल के सलाखों में है और अस्वस्थ है। माननीय उच्च न्यायालय से और राष्ट्रपति भवन से हम लोग एक पोस्टकार्ड के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य जो खराब स्वास्थ्य है उसको देखते हुए उनको जल्द से जल्द रिहा करें। और इसी मकसद से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी आज पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पोस्टकार्ड के माध्यम से संदेश देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से माननीय लालू प्रसाद यादव जी का न्यायालय से राष्ट्रपति से हम लोग पत्र लिखने के माध्यम से उनके बेल की मांग कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा जो निचले पदान पे लोगों और रहने वाले जिनके आवाज़ में उन्होंने जवान दी, अन्य तरह के बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें झूठा मुकदमा फंसाया गया है। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से पत्र के माध्यम से उनको रिहाई करने का निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जल्दी जल्दी लालू यादव जी को बेल दे दें और हमारे जितने चाहने वाले लोग हैं हमारे बीच में जल्द से जल्द उपस्थित हो। अजीत सिंह कुशवाहा, युवा राजद प्रदेश महासचिव।